पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर एक ऐसा सर्किट होता है जो किसी भी डिवाइस की इनपुट में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज है उस वोल्टेज को सेंस करके वोल्टेज फ्लक्चुएशंस आने पर एक कांस्टेंट या स्थिर आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स काम में लिए, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर कहा जाता है। जैसे अगर स्टेबलाइजर की रेटिंग जो है 180 से लेकर 250 वोल्ट तक है, तो इतनी वोल्टेज की फ्लक्चुएशंस जो हैं उनको आने पर यह स्थिर वोल्टेज जैसे 220 वोल्ट या 230 वोल्ट जो भी डिवाइस के लिए आवश्यक है वह प्रदान करता है। इस प्रकार के सर्किट में जब भी वोल्टेज फ्लक्चुएशंस का जो प्रभाव रहता है वह रहता है कि जो धारा है वह बहुत अत्यधिक धारा एक्सेसिव करंट प्रवाहित होता है सर्किट में से, ऐसे ही जो एफिशिएंसी है वह कम हो जाती है, जो केबल का इंसुलेशन है वह डैमेज हो जाता है, टेम्परेचर या तापमान बढ़ने के कारण डिवाइस कुछ समय पश्चात डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए वोल्टेज फ्लक्चुएशंस के टाइम पर भी एक स्टेबल आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए स्टेबलाइजर सर्किट को काम में लिया जाता है। जो भी प्रेजेंट के स्टेबलाइजर्स हैं उनमें माइक्रोप्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम होता है और साथ ही पावर कन्वर्टर डिवाइसेस जैसे IGBT या SCR या ट्रायक लगे हुए होते हैं। लेकिन अभी जो हम सर्किट देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर का, उसमें वैक्यूम डायोड्स का यूज़ किया गया है। उसमें ट्रायोड्स की सहायता से जो आउटपुट स्टेबल वोल्टेज है वह प्राप्त किया गया है। इसका प्रिंसिपल या सिद्धांत होता है कि यह सर्किट की सप्लाई वोल्टेज में जो आवश्यक विभव है उसको जोड़ता या घटाता है जिससे कि जो आउटपुट वोल्टेज है वह स्थिर रह सके। इसमें जो इनपुट वोल्टेज है EI यह इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अर्थात EO प्लस वोल्टेज अक्रॉस S वाइंडिंग जो सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो EO है वो इक्वल टू हो जाता है EI माइनस वोल्टेज अक्रॉस S वाइंडिंग। जो सर्किट यूज़ किया गया है उस सर्किट में T1 है एक तापक्रम परिपूर्ण डायोड जो टेम्परेचर पर आधारित डायोड है, ऐसे L1 और L2 हैं सेचुरेबल रिएक्टर जो सेचुरेशन या संतृप्त अवस्था में कार्य करेंगे, ऐसे T2 है ट्रायोड, T है ऑटो ट्रांसफॉर्मर, P है प्राथमिक कुंडली या प्राइमरी कॉइल, S है सेकेंडरी कॉइल या द्वितीय कुंडली, EI है इनपुट वोल्टेज और EO है आउटपुट वोल्टेज। अब सर्किट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर के इस सर्किट में EI इनपुट वोल्टेज, EO आउटपुट वोल्टेज, इसमें T2 जो है वह ट्रायोड है, इसके तीन सिरे हैं, एक तो है ग्रिड, ये सिरा ग्रिड जिससे ग्रिड की जो वोल्टेज है या विभव है उसको नियंत्रित किया जा रहा है, जो VR है वह एक स्थिर सप्लाई है, एक वोल्टेज रेफरेंस है, उस वोल्टेज रेफरेंस के द्वारा इसके कैथोड पर स्थिर वोल्टेज दी जा रही है, और इसका तीसरा सिरा होता है एनोड, इसीलिए इसको ट्रायोड कहा जाता है। एनोड जो है वह कनेक्टेड है टू द इनपुट ऑफ एम्पलीफायर। L1 और L2 जो है वो सैचुरेबल रिएक्टर है। जो T ऑटो ट्रांसफार्मर है उसकी दो कॉइल्स हैं, तो P प्राइमरी कॉइल, S सेकेंडरी कॉइल। अब मान लेते हैं कि सर्किट में जो आउटपुट का वोल्टेज है, अगर इनपुट का वोल्टेज बढ़ता है अर्थात जैसे कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशन आया, इनपुट का वोल्टेज अगर इंक्रीज होगा तो जो आउटपुट का वोल्टेज है वह भी इंक्रीज होगा। इस आउटपुट के वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए ये पूरा का पूरा सर्किट कार्य करता है। तो इसमें अगर निवेश का वोल्टेज या इनपुट का वोल्टेज EI इंक्रीज करता है तो EO आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज करता है, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण यहाँ पर धारा इंड्यूस होगी। इसका T1 का जो फिलामेंट है वह तापमान इंक्रीज के कारण हीट होगा, यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी, और R1 के अक्रॉस अर्थात इस प्रतिरोध के अक्रॉस जो विभवपात है या वोल्टेज ड्रॉप है वह बढ़ जाएगा। इसके बढ़ने के कारण जो ग्रिड करंट है वह भी इंक्रीज होगा, इसलिए जो T2 है उस T2 का ग्रिड वोल्टेज इंक्रीज होता है। यहाँ पर जो VR है वह एक रेफरेंस वोल्टेज है, इस रेफरेंस वोल्टेज के द्वारा इस ग्रिड वोल्टेज की तुलना की जाती है। जो भी इसका अंतर सिग्नल होता है या एरर सिग्नल होता है वह इस एम्पलीफायर को दिया जाता है। एम्पलीफायर इस एरर सिग्नल को या त्रुटि संकेत को एम्पलीफाई करता है, जिससे जो धारा है वह प्रवाहित होती है L2 कॉइल में। L2 एक सैचुरेबल रिएक्टर है, इसलिए जैसे ही अत्यधिक धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि जैसे EO बढ़ेगा R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा अर्थात T2 का जो ग्रिड धारा है वह बढ़ी, उसका एनोड करंट बढ़ेगा, तो जो वोल्टेज डिफरेंस है या त्रुटि संकेत है उसके इंक्रीज होने के कारण जो L2 कॉइल है उसमें से भी धारा इंक्रीज होगी।
यह कुछ समय के पश्चात जो कोर होगा वह संतृप्त अवस्था में या सैचुरेटेड अवस्था में आ जाएगा, जिसके कारण जो L1 है उसका इंडक्टेंस डिक्रीज हो जाता है। यह एक कैरेक्टरिस्टिक होता है सैचुरेबल रिएक्टर का, जैसे ही इसका इंडक्टेंस डिक्रीज होगा इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वह डिक्रीज हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज होने के कारण जो P है अर्थात प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर T, उस पर विभवपात जो है वह बढ़ जाएगा, जिससे सेकेंडरी कॉयल या सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी विभवपात बढ़ेगा। अब सेकेंडरी कॉयल के अक्रॉस विभवपात बढ़ रहा है, अब इसमें जब सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस विभवपात बढ़ेगा तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये वैल्यू इंक्रीज होने का अर्थ है जो माइनस में वैल्यू है वह इंक्रीज हो रही है, तो ईओ जो है वह रिड्यूस करेगा, अर्थात जो आउटपुट वोल्टेज है वो उसी अनुपात में कम हो जाएगी, और जितना भी डिवाइस की रेटेड वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज जो है वह मिल जाएगा।